हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू nakshatraspeaks.com। आई एम डॉक्टर उज्ज्वल अग्रवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र में इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं, हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हॉरोस्कोप में डाइवोर्स की। बहुत से क्लाइंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर डाइवोर्स होगा, सेपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो हमारी कुंडली में आठवां भाव जो है, एट्थ हाउस जो है, वो मैरिज बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कई बार सब कुछ ठीक होता है लेकिन सेपरेशन या डाइवोर्स हो जाता है, और कई बार लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कपल्स के बीच में लेकिन उनका डाइवोर्स नहीं होता, सेपरेशन नहीं होता। तो कुंडली का आठवां भाव मुझे बताएगा कि शादी के बाद सेपरेशन या डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एट्थ हाउस जो है मैरिज बॉन्ड का है। और फीमेल चार्ट में हम एट्थ हाउस को मांगल्य भाव बोलते हैं। एट्थ हाउस फीमेल हॉरोस्कोप में मांगल्य भाव कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी हॉरोस्कोप है, मेल या फीमेल, जेंट्स या लेडीज की हॉरोस्कोप है, और क्वेश्चन अगर सेपरेशन डाइवोर्स का है तो मुझे एट्थ हाउस पे देखना होगा। अगर एट्थ हाउस में केतु का एस्पेक्ट आ गया, केतु की दृष्टि आ गई या केतु बैठ गया, तो बहुत से केसेस में ये देखा गया कि उनका डाइवोर्स हुआ फर्स्ट मैरिज का। ये बात हो रही है एट्थ हाउस की लग्न से और फर्स्ट मैरिज की, कि अगर सेपरेशन या डाइवोर्स का क्वेश्चन है फर्स्ट मैरिज के लिए, तब मुझे एट्थ हाउस देखना है लग्न से। सेवेंथ का लॉर्ड अगर सातवें भाव का स्वामी एट्थ में चला जाए, या एट्थ का स्वामी सेवेंथ में चला जाए, या दोनों इंटरचेंज हो जाए, सेवेंथ का एट्थ में और एट्थ का सेवेंथ में परिवर्तन योग बनाए, तो भी शादी में प्रॉब्लम और डाइवोर्स के चांसेस होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो शुक्र को भी देखना पड़ेगा। मेल और फीमेल दोनों के केस में शुक्र को हमको देखना पड़ेगा। शुक्र शादी का कारक है, और अगर वो फीमेल चार्ट है तो हस्बैंड का कारक बनेगा गुरु। अगर मेल चार्ट है तो शुक्र को देखें आप, और अगर फीमेल चार्ट है तो वीनस, शुक्र और गुरु दोनों को देखना पड़ेगा। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट है, मुझे चेक करना है दशा और अंतरदशा। अगर दशा अंतरदशा राहु की है, केतु की है, सिक्स्थ लॉर्ड की है, एट्थ लॉर्ड की है, ट्वेल्थ लॉर्ड की है, और कुंडली में पोजीशन अच्छी नहीं है, सेवेंथ हाउस वीक हो गया, सप्तम का स्वामी वीक हो गया, सेवेंथ का लॉर्ड वीक हो गया, और दशा अंतरदशा और गोचर में भी समय अच्छा नहीं है, तो डाइवोर्स या सेपरेशन हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हाउस है वो एट्थ हाउस है, उसके बाद मुझे शुक्र को, गुरु को और सेवेंथ लॉर्ड को, इनको भी चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हॉरोस्कोप प्रिडिक्शन करवानी है, एनालिसिस करवानी है, तो नीचे लिखे नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है astro@nakshatraspeaks.com। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।